शहीद स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल के पुण्यतिथि पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने श्रद्धांजलि दी। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने अपने पिता एवं पूर्व गृह मंत्री शहीद स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल तथा बड़े भाई शहीद स्वर्गीय श्री दिनेश पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नंदेली स्थित शांति बगिया समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिजनों ने भी समाधि स्थल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, महापौर रायगढ़ नगर निगम श्रीमती जानकी कारजू, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकों ने भी समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी शहादत दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग स्थित शहीद स्मारक झीरम मेमोरियल में झीरम घाटी के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। साल बनों के दीप बस्तर क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कर फिर से शांति का टापू बनाएंगे। सीएम भूपेश बघेल सहित जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर झीरम के शहीदों को याद में 2 मिनट का मौन रखा और उपस्थित सभी लोगों को प्रदेश को पुनः शांति का टापू बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और साल श्रीफल भेंट किया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को साल श्रीफल भेंट करते समय मुख्यमंत्री भावुक हो गए। किससे मांग कर रहे हैं ये मीडिया के थ्रू बात? नहीं, किससे मांग कर रहे हैं? क्योंकि हम तो जांच कर नहीं रहे हैं। मैं तो पहले बताया हमको जांच करने से रोका जा रहा है और इन्हें जांच नहीं कर रही है। हम तो उसमें और जोड़ रहे हैं, लखमा जी की भी जांच होना चाहिए, उसमें रमन सिंह और मुकेश गुप्ता की जांच होना चाहिए। कर रहे हैं ना, तकलीफ क्या है? जांच में सच्चाई सामने आना चाहिए और जांच NIA कर रही, भारत सरकार कर रही है। हम तो यही कर रहे हैं, जांच हमको देना, हम सब करेंगे। उसका नाम बाहर क्यों किया गया? दूसरी बात यह है कि NIA अब कर क्या रही है इस मामले में, क्योंकि हमको जांच करने दे नहीं रही है और हमको कहते हैं बताओ। अरे जो नाम FIR में, जो नाम जिनका हो, वो चालान में बाहर हो जाता है क्या? साधारण सा सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने उसका नाम बाहर किया, जिसकी संपत्ति कुर्क हो गई उसका नाम बाहर हो गया, ये बहुत हास्यास्पद बात है। इसका जवाब कौन देगा? यही सवाल तो है। और फिर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जांच जो आयोग पिछले समय जो जांच बनी थी उसको हम आगे बढ़ाए, 2 सदस्य किए, तो उसमें स्टे क्यों लिया? तो आज भी वो सवाल है। और मैं समझता हूँ कि केंद्र में जब हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से शहीदों को न्याय मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता की षड्यंत्र की जानकारी होगी। बीते दिन संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए। जल्दी मातागुड़ी में पूजा के बाद वे मेला बाजार में सम्मिलित हुए। उन्होंने मेला मड़ई को बस्तर संस्कृति की पहचान बताया, साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में बस्तर की आदिम संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। देवगुड़ियों की मरम्मत का काम सभी जगह हो रहा है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया। इसमें पूर्व मेला में सम्मिलित होने पहुंचे संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का गाँव पहुँचने पर महिलाओं ने परम्परागत तरीके से स्वागत किया। तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गयी। बिलोरी की गुड़ी पहुंचे विधायक रेखचंद जैन ने भक्ति भाव से जलनी माता की पूजा की, तत्पश्चात मेला में आए देवियों की पूजा की। अलेख महिमा धर्म के द्वारा बस्तर के वकावंड ब्लॉक में 3 दिन तक बाल लीला मेला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 140 मंडली के नाम भजन कीर्तन चलता रहा। अलेख महिमा धर्म की श्रद्धालु भक्त माता और लगभग 100 गांव के देवी देवता पुजारी नाइक सिराहा गुनिया, साथ ही बस्तर रियासत के महाराजा कमलचंद भजन देव, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष मणिराम कश्यप व अन्य भाजपा के दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वजों के द्वारा बताया हुआ रास्ता सभी समाज को एक दूसरे से मिलकर सनातन संस्कृति परंपरा को बनाए रखना जरूरी है। शहीद दिवस पर दंतेवाड़ा के बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के गृह गांव फरसपाल पहुंचकर छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 25 मई दंतेवाड़ा जिले के लिए कभी न भूल पाने वाला तारीख है।
इस दिन दंतेवाड़ा जिले ने अपने माटी पुत्र और बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले लोकप्रिय नेता महेंद्र कर्मा को झीरम घाटी कांड में खो दिया था। आज भी लोग उन्हें नम आंखों से याद करते हैं और इसीलिए आज शहीद दिवस के दिन गांव गांव के लोग कर्मा परिवार को सहानुभूति प्रकट करने पहुंचते नजर आए। जहां एक तरफ कांग्रेसियों और जिले वासियों ने अपने नेता को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया, वहीं दूसरी ओर अपने पिता को खोके एक पुत्र ने मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिले, कई दफा इस मामले में बात किए। माननीय मुख्यमंत्री साहब का यही कहना है कि झीरम घाटी को लेकर NIA जांच कर रही है, मतलब जांच उसने किया है, लेकिन वो जांच रिपोर्ट हम लोगों को सबमिट नहीं कर रहा है। अगर जांच नहीं कर पा रहा है तो वो हमको, हमारी सरकार को सबमिट कर दे तो हम लोग जांच कर लेंगे। मैं अभी भी कहता हूँ कि कहीं ना कहीं NIA का रिपोर्ट का उजागर नहीं होना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हुआ करते थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री जैसे लोग, रमन सिंह जी, कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तभी इस मामले का खुलासा नहीं हो रहा है। बताता हूँ कि उस दौरान सभी लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो हैं। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्को हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे, अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमने खोया है वो ओपन तो हो कि इनकी क्या भूमिका है, हम तो जानना चाह रहे हैं ना। हमारे मतलब राजीव गांधी जी शहीद हुए, उसमें जांच हुआ, जांच होने के बाद जो भी दोषी थे उनको सजा मिली, सजा मिल मतलब उनको ओपन किया गया, ओपन करने के बाद परिवार ने माफ किया ना, बड़ा दिल रख के माफ किया। हम लोग ऐसे परिवार के लोग हैं, उस कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं, मैं एक न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, कि जांच होनी चाहिए, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, जांच हो, हम जानना चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था तो उस व्यक्ति से भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या दुश्मनी थी। सरगा जोगी गांव में पक्की रोड और पानी नहीं है, आजादी के बाद से ही समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। आजादी के बाद से आज तक सरगा जोगी गांव में पक्की सड़क नहीं बनी, पानी निकासी की सुविधा तो दूर, बरसात के दिनों में ग्रामीणों का मुख्य मार्ग तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ग्रामीण गांव में रहते हुए भी बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मगर अभी तक गांव में शासन व प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में लोग जन सुनवाई से लेकर CM हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या को लेकर अभी तक सुनवाई नहीं की गई। बहुत समस्या है हम लोग का, यहाँ ग्राम पंचायत में नहीं, ग्राम में हम लोग का सरंगा जो भी परेशानी है, सरंगा जो भी डोहबाक बैरडी खुर्द आसन पानी में हम लोग का आज तक रोड आया है, ना बिजली आया है, ना यहाँ स्कूल है, बहुत यहाँ दिक्कत है, पानी उनी पीने का इतना समस्या है ना, जो हम लोग जो भी से चुआ बना बना के पानी पी रहे हैं। चूहे में भारत के सही स्कूल है, स्कूल के भवन नहीं है, स्कूल तो है बाकी भवन नहीं है। यहाँ सोलर लगा था 5 साल पहले, वो सोलर खत्म हो गया बैटरी सब, यहाँ आज तक बिजली न कोई अधिकारी आया है, न यहाँ वोट लेने समय नेता मंत्री लोग आते हैं वोट लेके चला जाते हैं, न सरपंच आता है देखने, न यहाँ विधायक कोई नहीं आता है। अच्छा, स्कूल कहाँ आप लोग चला रहे हैं? प्राइवेट घर में चला रहे हैं। अच्छा, हाँ अपना निजी घर दे दिए हैं, अब क्या करें, बच्चे को पढ़ाना है तो घर दिए हैं, लेकिन स्कूल के समय पे कोई यहाँ पुल बना हुआ है? हाँ पुल तो बना है, बनने को तो बाकी, वो पुल में अभी तक मिट्टी नहीं डलाया है। ग्रामीणों ने गांव की दुर्दशा सुधारने के साथ ही पक्की सड़कें और नाली निर्माण कर पानी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। दरअसल सरगा जोगी गांव के लोग आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव के लिए न ही पक्की रोड बनाई गई है और न ही पीने के लिए पानी की सुविधा, ग्रामीण प्रशासन की सेवाओं से वंचित हैं और बदहाली में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास कार्यों के लिए सरपंच ने कई योजनाओं का झांसा दिया,
मगर महज कागजों में वह सिमट कर रह गई है। नहीं है भवन, नहीं है, और मास्टर भी ऐसा है ना जो मतवार है, वो स्कूल लगे पे नहीं करता। अच्छा, कहाँ का मास्टर है? जैनपुर का। अच्छा, वो आते ही नहीं? आईबो करता है, दारू पी के आता है, नहीं पढ़ाता है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रविंदर तो सुने हैं हम लोग। और ये रोड का जो है बहुत बड़ा परेशानी है, यहाँ आने जाने को बहुत परेशानी है, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? रोड नहीं है तो हम लोग बोलिए क्या करेंगे, कोई सुनता है? नहीं, आवाज़ उठाएंगे तो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? अरे सचिव सरपंच को इस विषय में बोले थे आप लोग? बोलबे न कर रहे हैं, रोज बिना सुनबे नहीं करते हैं। अच्छा, पानी का भी यहाँ जो है पीने का बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? पानी पीने का समस्या है तो कोई यहाँ देवे नहीं करता है, अथी बोरिंग आता है तो नहीं, यादव फराक के लिए तो है ये नहीं है, गोरवा फराक के लिए एक दो गो आया था तो वो भी पानी निकलवे नहीं थी। अच्छा, किसान परा में बोरिंग है ये? हाँ, किसान परा में है ये नहीं है। और ये रोड में जो है यहाँ पे पुल बना है, उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप? पुल बना है उसमें तो क्या बोलेंगे, यहाँ मिट्टी जो नहीं भराया है उस विषय में? मिट्टी भरने के लिए बोला है। अच्छा, कौन? ठेकेदार है से बोला है, अशोक सर। अच्छा, अशोक सोनी ठेकेदार बोला है ना? मुंशी के रूप में काम कर रहे थे। और आप मुंशी के रूप में काम कर रहे थे? मुंशी क्या करेंगे, हमको मजदूरी दे रहा था, काम कर रहे थे।